गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो सब केमती अच्छे स्टूडेंट? तो मुझे चंदन सर आपको सब मोर छोट छोट भाई और भौनी मानको सीएचएससी पिला मानको हमरो ए डिफरेंशियल इक्वेशन और हम इंपीरियल इंस्टीट्यूट को वेलकम कर बुझा स्टूडेंट। तो आज हम देखा आम वीडियो रे डिफरेंशियल इक्वेशन रे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो बहुत पिला सजेशन थिला कि सर आपण एमसीक्यू स्टार्ट करंतु जो पिला माने जानि नाहंती ऑलरेडी हमर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो जाइछि। तो जो माने जानिनो तुम जाके प्लेलिस्ट रे देखो, एमसीक्यू प्लेलिस्ट रे देखो, सेडी तुमको सब ऑलमोस्ट बहुत जुडा टॉपिक रो एमसीक्यू मिल जइबो हला। तो जो माने जानिनो तो सम सब फ्रेंड और रिलेटिव मानको शेयर करो, काहे कि देखो स्टूडेंट एमसीक्यू को इंस्टीट्यूट रे कि सर माने करू नाहंती, जोति पई कि हमर जो पिला मानको बहुत डाउट रहउछि कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन हमें केमती करबा हला। तो मु सब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मु तुमको 20 रु 25 टा एमसीक्यू करिक दउछि, जोटि कि तुमरो आईडिया आसी जइबो कि को टाइप रे क्वेश्चन तुमरो आसीबो एग्जाम रे। बुझबला स्टूडेंट? तो एमसीक्यू पई किछ नै, बेसिक फंडामेंटल जार क्लियर अछि, एमसीक्यू से आराम से सॉल्व कर परबो हला। तो चलो स्टूडेंट, आज आज टॉपिक रे आज देखिबा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन रे एमसीक्यू देखिबा हला। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जदि एमसीक्यू करियो चाहौछो तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रो चैप्टर को एक्सरसाइज को भलसे करी सारो, तापरे ये वीडियो देखो, तेले कौन हो तुम फायदा कौन हम तुम वीडियो रो सब बुझी पार हला। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम न्यू बुक हिसाब से एक्सरसाइज 11A, 11B, 11C रे अच्छे हला। आउ जो ओल्ड बुक प्रिफर करो छो तो ओल्ड बुक रे तुम 14A, 14B, 14C रे अच्छे। बुझ पाला स्टूडेंट? तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन दे स्टूडेंट देखो, dy by d4 plus y to the power 5 is equal to dqy by dx cube हला, what is the order and degree हला। तो एडिया हमको order और degree पचार चला। तो देखो स्टूडेंट मैं 1 by 1 तुमको गोटे गोटे सॉल्व करके देखो जी हला। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन दे dy by dx रो 4 plus y 5 is equal to dqy by dx cube हला। तो देखो स्टूडेंट order कहाँ कौन दी, मैक्सिमम थोड़ा के डेरिवेटिव है जी, देखिए दियो स्टूडेंट। तो ये थोड़े डेरिवेटिव है यार, सिना पावर 4 किंतु डेरिवेटिव केथर होई छी ओनली थोड़े, ये केथर डेरिवेटिव है तीन थोड़ा। तो हमर ऑर्डर कोड कंसीडर करा जाए जोटा मैक्सिमम थोड़ा डेरिवेटिव है छी। तो ऑर्डर केते हला स्टूडेंट, हमर ऑर्डर केते हला 3 हला। आ डिग्री केते, ऑर्डर रा पावर को ही डिग्री कहंती, तो किछ ने माने बाय डिफॉल्ट 1 अछि, तो डिग्री केते हला 1। तो हमर आंसर केते हला 3 और 1। तो कोड आंसर देखि जे स्टूडेंट ऑप्शन रे, तो बिट सी होछ हमर आंसर। बुझ पलो स्टूडेंट? तो आराम से क्लियरली बुझी पर्छो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चासो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी से ऑर्डर और डिग्री ऊपर अछि, कोन दे स्टूडेंट देखो दुई नंबर क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट दुई नंबर क्वेश्चन ए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर नाम क्वेश्चन लिखि दउछि हला, इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स रो 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स रो होल स्क्वायर रो टोटल 3/2 एडा दिछि क्वेश्चन हला। देखि दे स्टूडेंट ये हो तुम क्वेश्चन हला। तो ये भी कौन पचार ऑर्डर आउ डिग्री रा पेयर पचार हला। चलो देखो स्टूडेंट एबे एठी भी सेम ऑर्डर डिग्री फाइंड करबे, किंतु गोटे इनसे मन रखो स्टूडेंट, ऑर्डर आउ डिग्री फाइंड कला पडे गोटे इनसे सब बेले माइंड रे रखीथिबो, कोन टोटल तुम डेरिवेटिव टर्म उपरे किछ भी फ्रैक्शन रे पावर नथिबो हला, किछ भी फ्रैक्शन रे पावर नथिबो, फ्रैक्शन रे पावर को फर्स्ट हटेबो। तो मु कोन कली स्क्वायरिंग बोथ साइड तो बोथ साइड रे मु कोन कली स्क्वायरिंग कर देले हला। तो केते होछ ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रो होल स्क्वायर और ये पटे भी 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स रो होल स्क्वायर टोटल रे केते स्टूडेंट 3/2 तारो स्क्वायर। तो इतले स्क्वायर कर छो a2 कटि जाउ छी, तो केते रहउ छ स्टूडेंट ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स रो स्क्वायर टोटल रो 3। बुझ पाला स्टूडेंट? तो डेरिवेटिव ऊपर तुम फ्रैक्शन पावर हटि गला। एबे देखियो ऑर्डर ऑफ डिग्री फाइंड करिया। बुझ पाला स्टूडेंट? तो क्वेश्चन कला अगर सदाळे देखियो डेरिवेटिव ऊपर किछ फ्रैक्शन पावर नथियो, जेंते हम प्रीवियस क्वेश्चन रे देखो स्टूडेंट, हमर प्रीवियस क्वेश्चन रे किछ भी फ्रैक्शन पावर नथिला, तो सेथि हम डायरेक्ट ऑर्डर और डायरेक्ट डिग्री फाइंड करलु, किंतु हमर एई क्वेश्चन रे कोन थिला फ्रैक्शन रे पावर थिला। तो सेथि हम फर्स्ट मु स्क्वायरिंग बोथ साइड करली, तापर आंसर बाहर करछ हला। एबे देखो स्टूडेंट मैक्सिमम थरो डेरिवेटिव की हिछि, ये दिथरो डेरिवेटिव हिछि, ये थरो डेरिवेटिव हिछि, तो हम मैक्सिमम का पाखु जुवा जे दिथरो डेरिवेटिव हिछि, तो ये होछि दिथरो डेरिवेटिव। तो ऑर्डर केते हेगला हमर स्टूडेंट 2 हला, ऑर्डर का कोन स्टूडेंट मैक्सिमम थरो के डेरिवेटिव हिछि। एबे डिग्री ऑर्डर रा पावर, जार ऑर्डर देखलु तार ही डिग्री देखियो, तो डिग्री भी केत रहला 2, तो हमर आंसर केते 2.2 हला। तो देखियो स्टूडेंट कोठा हम आंसर, तो बिट बी 2.2 होछ हमर आंसर हला। नेक्स्ट 3 नंबर को चलो, सेठ भी हमर से ऑर्डर और डिग्री ही पचार छी हला। तो चलो चलो सॉल्व करिवा। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन लिखि दउछ देखो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन कोन दिस स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन d² y / du²
इज इक्वल टू 3y प्लस dy बाय du बाय d स्क्वायर y बाय du स्क्वायर रो अंडर रूट बुझ पाला स्टूडेंट एटा दिस क्वेश्चन देखि दियो स्टूडेंट क्वेश्चन मैच कर दियो एटा दिस तुम्हारा क्वेश्चन हला तो चलो हला तो फर्स्ट कौन करिया स्टूडेंट मु कौन करछ देखो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूछ हला तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देले ये d स्क्वायर y बाय du स्क्वायर रहिला याको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले d स्क्वायर y बाय du स्क्वायर रो रूट अंडर इज इक्वल टू 3y प्लस dy बाय du बुझ पाला स्टूडेंट एबे देखो स्टूडेंट यार पावर के डिफॉल्ट वन रूट ओवर मीन कौन वन बाय टू तुम जान स्टूडेंट स्कूल बेले पढ़ी चो समस्ते ए टू द पार एम ए टू द पार एन इज इक्वल टू ए टू द पार एम प्लस एन समस्त पढ़ी चो तो ये एटाक ए बोली भाव तो ए टू द पार एम ए टू द पार एन ताकि लिख पार स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई बाय डी यू स्क्वायर रेते हो स्टूडेंट वन आर वन बाय टू तो स्टूडेंट थ्री बाय टू बुझ पाला स्टूडेंट चलो बुझ पाला स्टूडेंट कौन कल यार पावर वन यार पावर के वन बाय टू है ये भी दिथर डेरिवेटिव ये भी दिथर डेरिवेटिव तो हाफ प्लस हाफ वन प्लस वन बाय टू तो सल्व कले थ्री बाय टू है इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस डी वाई बाय डी यू ये रहा एवं तुम जान ऑर्डर आउ डिग्री फाइंड कला बेले गोटे जिन सदा माइंड रखे कौन जे टोटल डेरिवेटिव टर्म उपर फ्रैक्शन पावर हटेदेव कौन हटेदेव फ्रैक्शन पावर किसी भी रही है तो मुझे कौन कल स्क्वेयरिंग बोथ साइड बोथ साइड स्क्वायर कर देखो तो यार बोथ साइड यार स्क्वायर कले कौन टू टू तो कटिज स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई बाय डी यू स्क्वायर रो स्क्वायर स्क्वायर कटेले ओनली थ्री रहइबो एपटे थ्री वाई प्लस डी वाई बाय डी यू रो कौन रही तुम स्क्वायर रहिला एबे देखिबा फ्रैक्शन पावर हटिगला मैक्सिमम थर डेरिवेटिव के हिची ये दि थर हिची ये थर है तो आम क्या पाखु मैक्सिमम थर डेरिवेटिव तो मैक्सिमम थर डेरिवेटिव है टू तो ऑर्डर हो गला टू आ तार पावर तो डिग्री के थ्री तो आंसर के टू कमा थ्री तो देख दिव कौ ऑप्शन मैच करुच तो टू कमा थ्री तो बी हूँ आंसर बुझ पाला स्टूडेंट तो इजी अच्छे किसी ना खाली तुम फंडामेंटल जार क्लीयर थो आराम से कर बुझ पाला स्टूडेंट तो देखो स्टूडेंट तीन टा क्वेश्चन सरीगला तो नेक्स्ट बिट फोर को आस चार नंबर को तो देखो स्टूडेंट बहुत पिला पढ़ापढ़ बहुत प्रॉब्लम होची समस्त बहुत टेंशन भी लगुव कौन सर कितने पाठ पढ़ा पूरा मुंड खराब हो गला तो देखो स्टूडेंट मुझे तुमको कहे तो पाठ को नहीं एत स्ट्रेस हो कहीं जो स्ट्रेस तुम देह खराब हो जोटा कि तुम पढ़ी ही टोटाली पार्वनि है तो जी टाइम पढ़ु ताको क्वालिटी भलसे मेन्टेन करके पढ़ है पढ़ला बेले मोबाइल फोबाइल सैट में किसी रखनी कहीं बेटर कहबी है मानुची कि हाँ जब तुम भिडियो देखु ठीक अच्छे है जो टाइम पढ़ु तो मोबाइल को तुम कम्प्लीटली सैड रख जोटा कि तुम दरकार ना कहीं जब पाठ पढ़ला बेले मोबाइल रखुच व्हाट्सअप चलाउ एम पढ़ने किसी एजुकेशन किसी क्वालिटी आसेनि पाठ से किसी क्वालिटी आसवन है तो बेटर तुम आराम से जब तुम बोर लगुच अध घंटा आराम से मोबाइल देख जहाँ भी कर कि नेक्स्ट पाठ पढ़ला बेले पूरा कम्प्लीटली फुल कनसनट्रेट हो पाठ पढ़ है तीन घंटा चार घंटा पांच घंटा जहाँ पाठ पढ़ुच 100% फोकस देखिए पाठ पढ़ दे कौन तो पाठ पढ़ार क्वालिटी रही है बुझे स्टूडेंट तो से पाठ पढ़ला बेले टी भलसे ध्यान से रखिए पढ़ है तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा चार नंबर क्वेश्चन तो कौन कही देख स्टूडेंट एटी भी से ऑर्डर डिग्री पचार ट्विस्ट करोश्चिन कौन कर इफ पी एंड क्यू आर द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पी कौन तुम डिग्री पी कौन तुम डिग्री आउ क्यू हूँ तुम कौन ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू पी माइनस थ्री क्यू इज इक्वल टू इज डैश इज पचार सॉल्यूशन कले तो फास्ट आम डिग्री ऑर्डर फाइंड कर सर तर देखा है तुम तो क्वेश्चन को ठीक से देख स्टूडेंट है तो क्वेश्चन किसी भी फ्रैक्शन पावर ना क्वेश्चन किसी भी फ्रैक्शन पावर ना ऑर्डर आउ डिग्री के फास्ट आम ऑर्डर फाइंड करदे है डिग्री फाइंड करवा तो यहाँ हूँ मैक्सिमम थर डेरिवेटिव होती तो सही कौन ना स्टूडेंट आम तो से बाहर ऑर्डर आउ डिग्री तो देख स्टूडेंट यार ऑर्डर के फास्ट आम ऑर्डर फाइंड करदे ऑर्डर हूँ ऑर्डर को आम कौन नहीं क्यू नहीं ऑर्डर को आम कौन नहीं स्टूडेंट ऑर्डर को आम नहीं कौन क्यू बोली नहीं है तो क्यू के थ्री तो क्यू के स्टूडेंट क्यू के थ्री आउ डिग्री के स्टूडेंट पी तो पी के स्टूडेंट आम पी के स्टूडेंट आम वन बुझ पाला स्टूडेंट कमी है यहाँ मैक्सिमम थर डेरिवेटिव है तो मैक्सिमम थर डेरिवेटिव रू कौन ऑर्डर डिग्री से बाहर तो ऑर्डर केडर हूँ आम के थ्री तो ऑर्डर हो गला थ्री तो ऑर्डर को आम क्यू नहींचु ऑर्डर को आम कौन नहीं पी आउ क्यू तो पी को से कौन नहीं डिग्री नहीं क्यू को कौन से ऑर्डर नहीं बुझ पाला स्टूडेंट तो चलो तो क्यू हो गला थ्री आउ पी हो गला वन एवं या इक्वेशन पुट करवा टू पी
ତ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ପି ପି ହଉଛି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟୁ କ୍ୟୁ ହଉଛି ଥ୍ରୀ ତ ଟୁ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ତ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ଚାଲ ଏଠିକି ଆସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ କହିଛି ଦେଖିଦେବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଲା ତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଜେନେରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ପଚାରି ଦେଇଛି ହେଲା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜେନେରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢୁଛୁ ଇଲେଭେନ୍ ଏ ହେଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା ହେଲା ତ କ'ଣ ଦେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେବା ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଭେରିଏବଲ୍ ସେପାରେସନ୍ ମେଥଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ଡି ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡିଏକ୍ସକୁ ସେପଟକୁ ନେଇଯାଉଛି ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ଡିଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ହେଲା ତ ଡି ୱାଇ ଥାଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ ଆରାମସେ ଏବେ ଡି ୱାଇ ଏପଟେ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଥାଉ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ କଟିଗଲେ ରହିବ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାନ୍ ବାଇ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ଉପରକୁ ଗଲେ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଡି ଏକ୍ସ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଛି ନା ମାନେ ୱାନ୍ ଅଛି ତ ୱାନ୍ ର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଏପଟେ କେତେ ହେଇଗଲା ୱାଇ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ର ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ର ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ତମର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ହେଲା ତ ଦେଖିଦେବା କୋଉ ଆନ୍ସର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତ ଦେଖିଦେବା ଏ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଏ ର ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଇ ଟୁ ଦ ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ହେଲା ତ ଦେଖିଦେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଟିକେ ଅପସନରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ତ ଅପସନ ତମର ଏଇଠି କ'ଣ ହେବା କଥା ମାଇନସ୍ ହେବା କଥା ଅପସନ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବା କଥା ମାଇନସ୍ ହେବା କଥା ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆସ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଦିଅ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ ତ ସେମ୍ ଲଜିକ୍ ସେଇଠି ବି ଆମେ ଜେନେରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇଠି ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ଜେନେରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ହେଲା ତ କ'ଣ ରହିଲା ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଏଠି ବି ଆମେ ଚାଲ ଡି ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ କର ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଏକ୍ସ ହେଲା ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଏକ୍ସ ସରି ୱାଇକୁ ସେପଟକୁ ସିଫ୍ଟ କର ହେଲା ୱାଇକୁ ସେପଟକୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡି ୱାଇ ବାଇ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡିଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ଲନ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଲନ୍ ସି ହେଲା ତ ଲନ୍ ୱାଇ ଏଇଟା ଉପରୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଲନ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲନ୍ ସି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲନ୍ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ତ ଲନ୍ ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲନ୍ ସି ତ ଲନ୍ ଲନ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଆଉ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେଲେ ସି ଏକ୍ସ ତ ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଏକ୍ସ ତ ଦେଖିଛୁ କାହିଁ ତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ହେଲା ତ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଏକ୍ସ ତମର ବିଟ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଭେନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ୱାଇ ୱାଇ ଡିଏକ୍ସ ର କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ହେଲା ତ ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ର କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ହେଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଅଛି ସେପଟକୁ ପଠାଇଦେବା ତ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେପଟୁ ଯାଇକି ଫୋର୍ ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଇଯିବ ସରି ଟୁ ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଇଯିବ ତ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଟୁ ର କ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଠ ଟୁ ର କ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଗଲା ଆଠ ତ ଫୋର୍କୁ ସେପଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଅ ତ ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଠ ମାଇନସ୍ ଚାରି ତ କେତେ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତ ଚାରି ହେଲା ତ ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେତେ ହେଲା ଫୋର୍ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦିଅ ଡି ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଡିଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ତ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ତ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ତ କେଉଁ ଅପସନଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଦେଖିଦେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ତ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ତ ବିଟ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆସ ବିଟ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍କୁ ହେଲା ତ ସଲ୍ଭ ଇ ଟୁ ଦ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ଏଭ୍ରି ତମ ଇଏ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ କେତେ ତମ ପାଇଁ ଲେବର କରାହଉଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମଠୁ ଖାଲି ଏତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି କି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ହେଲା କାହିଁକି ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ତମଠୁ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନି ହେଲା ଯେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତମକୁ ଟୋଟାଲି କିଛି ମାଗୁନି ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି କହୁଛି ଏତିକି ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଖାଲି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅ ବାସ୍ ଏତିକି ବାସ୍ ତମଠୁ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ହେଲା ଆଉ
ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କର ବାସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କଲେ ବାସ୍ ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିବି କି ହଁ ମୋର ଯେତିକି ମେହନତ କରୁଛି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମୋର ସେତିକି ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା ବାସ୍ ଆଉ ତମଠୁ କିଛି ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେଲ ଚାଲ ଏବେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଇଟ୍ ଦ୍ୱାର କ'ଣ ଦେଇଛି ଇଟ୍ ଦ୍ୱାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଡିୱାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ତ ଇଟ୍ ଦ୍ୱାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା ହେଲା ତ ଇଟ୍ ଦ୍ୱାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ତାକୁ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବା ତ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ତ ୟାକୁ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ କେତେ ହେଉଛି ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ତାପରେ ଡିୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଡି ଏକ୍ସ ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ହେଲା ତେବେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତମର ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆଇଲେଟ୍ ମେଥଡ୍ ପଡ଼ିବ ଏଠି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ କ'ଣ ଆଇଲେଟ୍ ମେଥଡ୍ ପଡ଼ିବ ତ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆଇଲେଟ୍ ତ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ଏଠି ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଲା ୱାଇ ତ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମାଇନସ୍ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ର ଡିଏକ୍ସ ହେଲା ତ ଏକ୍ସ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ତମର ୱାନ୍ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟୁ ଟୋଟାଲ ଡିଏକ୍ସ ତ ଏକ୍ସ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏଠି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ତ କେତେ ରହିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ତ ଇଟ୍ ଦ୍ୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଦ୍ୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସି ହେଲା ତ ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କେତେ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଫୋର୍ ତ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କେତେ ଏକ୍ସ ଇ ଟୁ ଦ୍ୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଇ ଟୁ ଦ୍ୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ହେଲା ତ ଦେଖିଦିଅ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତ ମ୍ୟାଚ୍ କାହା ସହିତ କରୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ଆମର ବିଟ୍ ବି ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ବିଟ୍ ବି ସହିତ ଏକ୍ସ ଇ ଟୁ ଦ୍ୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଇ ଟୁ ଦ୍ୱାର ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ତ ବିଟ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦିଅ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ଫର୍ମ ଦ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବାଇ ଏଲିମିନେଟିଂ ଦ ଆର୍ବିଟାରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ବାଇ ଏଲିମିନେଟିଂ ଆର୍ବିଟାରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇ ମେଥଡ୍ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଏଲିମିନେଟିଂ ଆର୍ବିଟାରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଆର୍ବିଟାରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଆଉ ବି ତମେ ତାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ହେଲା କେମିତି ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିକି ହେଲା ଆଉ କେତେଥର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିପାରିବ ଦେଖ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେତେଟା ଅଛି ଏ ଆଉ ବି ତ ଦୁଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିପାରିବ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିକି ଯେମିତି ବି ତମକୁ ଏ ଆଉ ବିକୁ ହଟେଇବାର ଅଛି ହେଲା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ କସ୍ ଏକ୍ସ ବି ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ସେତିକି ଦେଇଛି ତ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସ ତ କେତେ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏହାର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଲେ ମାଇନସ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି କସ୍ ଏକ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟାକୁ ଦେଇଦିଅ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ୟାକୁ ଦେଇଦିଅ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ହେଲା ଏଗେନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କର ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସ ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡି ସ୍କୋୟାର ୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସର କେତେ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର କସ୍ ଏକ୍ସ ଆଉ କସ୍ ଏକ୍ସର ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ତ ମାଇନସ୍ ବି ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ଏକୁ ଦିଏ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଦେଖ ଦେଖିଦିଅ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥ୍ରୀକୁ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି ଆଡ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ତ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ଲେଫ୍ଟକୁ ଆଡ୍ କର ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଟିଯାଉଛି ଦେଖ ଏ କସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ କସ୍ ଏକ୍ସ ବି ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ବି ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ତ କଟିକି କ'ଣ ହେଇଛି ଜିରୋ ହେଉଛି ତାକୁ ଏମିତି ସଜେଇ ଲେଖିପାରିବା ଡି ସ୍କୋୟାର ୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା ତ ଦେଖିଦେବା କାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତ ଦେଖିଦିଅ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡି ସ୍କୋୟାର ୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ତ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା ସିମିଲାରଲି ଆସ ନମ୍ବର ଟେନ୍କୁ ତ ସେଠି ବି ସେୟା କରିବାକୁ କହିଛି ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସାଇନ୍ ଇନ୍ଭର୍ସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି କସ୍ ଇନ୍ଭର୍ସ ଏକ୍ସ ହେଲା ତ ଚାରିଟା ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ତା ଭିତରୁ ଦେଖିବା ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେବା ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସାଇନ୍ ଇନ୍ଭର୍ସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି କସ୍ ଇନ୍ଭର୍ସ ଏକ୍ସ ସେଠି ବି ତମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଏ ଆଉ ବିକୁ ହଟେଇବାର ଅଛି ହେଲା ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସ ତ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ହେଲା ତ ୱାଇର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ତ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ୱାଇ ୱାନ୍ ଲେଖୁଛି ତ ୱାଇ ୱାନ୍ ଲେଖିଲେ ଯାହା ଡିୱାଇ ବାଇ ଡି ଏକ୍ସ ଲେଖିଲେ ବି ସେଇଆ ହେଲା
चलो एक वे रहला साइन इनवर्स फार्मूला 1 / 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर बी को बी रहला कॉस डेरिवेटिव के माइनस 1 / तो बोले पर माइनस बी / 1 माइनस x स्क्वायर रो अंडर रूट हला तो y1 इज इक्वल टू तो मैं देखि पर तो एलसीएम सेम अछि a माइनस b 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो y1 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू a माइनस b बुझ पर स्टूडेंट एति खेला एबे चलो आउ से डेरिवेटिव करिया काहे कि देखो स्टूडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केतरा थिला a और b तो हमें दिथरो डेरिवेटिव करि परिबा तो देखो स्टूडेंट दिथरो डेरिवेटिव करिया अगुरु एटि देखो ओडे रूट ओवर अछि मोदि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दउ छै तोले रूट ओवरटा कटि जो हला तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हला तो देखि जो स्टूडेंट मोस्ट हैंडराइटिंग टिके बहुत ही खराब अछि तो टिके सही हिसाब रे एडजस्ट कर दबो हला तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो यार स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर हेले कोन हे जो रूट ओवरटा हटि जबो आ एपटे a माइनस b रो कोन हे गेला स्टूडेंट होल स्क्वायर हला चलो स्टूडेंट आगु बढिबा तो एपटे कोन हो स्टूडेंट एबे देखो मैं जो आउ थ्री डेरिवेटिव करबी राइट साइड 0 हो जइबो तो हमको मेन टारगेट कोन थला a और b को हटेबार तो राइट साइड 0 हो जइबो एबे लेफ्ट साइड कोन हो इनटू फार्मूला पडिबो हला तो कोन हो स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अब इज इक्वल टू 0 राइट साइड कांस्टेंट अछि तो y1 रो स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर डेरिवेटिव हम जान छु माइनस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर y1 रो स्क्वायर तो केते हो छ 2y1 इनटू y2 इज इक्वल टू 0 हला तो बे सजे के लिख दियो स्टूडेंट केते हो स्टूडेंट 2y1 y2 1 माइनस x स्क्वायर केते हो स्टूडेंट माइनस 2x y1 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो देखि दियो स्टूडेंट लेफ्ट तुम देखि परतो 2y1 2y1 कॉमन अछि तो डिवाइड 2y1 बोथ साइड हला तो 2y1 हटियल केते हो स्टूडेंट y2 1 माइनस x स्क्वायर एटु 2 हटियल y1 हटियल तो माइनस x y1 इक्वल टू 0 और याको एमति लिख परिवो 1 माइनस x स्क्वायर y2 रो हमें जानछु मतलब d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस x y1 रो मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू 0 हला तो ये हो जा हमरा आंसर तो देखि देबा काहे तो मैच करू छै 1 माइनस x स्क्वायर d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर माइनस x dy बाय dx इज इक्वल टू 0 हला तो देखि दो स्टूडेंट काहे तो मैच करू छै तो हमरा बिट 1 से तो मैच करू छै 1 माइनस x स्क्वायर d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर माइनस x dy बाय dx इज इक्वल टू 0 बुझ पाला स्टूडेंट चलो आगु चलो नेक्स्ट कौन पचास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 रे फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन हला तो स्टूडेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैलकुलेट करा जाए फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन हला तो किछ ने स्टूडेंट हमें कौन करिया जनरल सॉल्यूशन फाइंड करबा सेथरे हमें कौन करबा वैल्यू पुट करबा हला तो कौन दिछि dy / dx cos x हला तो चलो पुट करबा dy / dx ओनली cos x हला एबे dy क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो cos x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो y इज इक्वल टू cos x हम जान छी सिंपली sin x plus c एको दे दे इक्वेशन 1 काई देखो स्टूडेंट इक्वेशन 1 काई देली इट मते आउरी बागो कोन करे छी वैल्यू पुट करे छी हला तो वैल्यू कोन y केते दे छी 2 दे छी x केते दे छी 0 दे छी मुछ पर स्टूडेंट तो y 2 x 0 हला तो y इज इक्वल टू 2 आ x केते स्टूडेंट हमरो 0 चलो वैल्यू पुट करिवा तो y हां y जगह म कोन पुट करू 2 इज इक्वल टू sin x जगह 0 plus c तो हम जान छ sin 0 होची 0 तो 2 इज इक्वल टू 0 प्लस सी सी तो सी रो वैल्यू केते स्टूडेंट हमरो 2 हला एबे एई वैल्यू को लेके आराम से एड पुट कर दियो हला तो सी जगह केते लिख दो 2 लिख दो तो हमरा आंसर केते आसे स्टूडेंट y इज इक्वल टू sin x प्लस 2 y इज इक्वल टू sin x प्लस 2 तो देखि दो स्टूडेंट कोटा आंसर तो y इज इक्वल टू sin x प्लस 2 तो बिट बी होच हमरो आंसर हला तो 11 नंबर सल्ला नेक्स्ट आसे स्टूडेंट 12 नंबर तो 12 नंबर भी सेम तमन कोन कोछि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करे को छला कोन दिछि dy / dx 1 plus y square / 1 plus x square आ y इज इक्वल टू केते छि √x एट x 1 हला चलो सॉल्व करबे तो dy / dx 1 plus y square / 1 plus x square तो चलो फर्स्ट dx को सपोर्ट नहीं जाओ dy इज इक्वल टू 1 plus y square / 1 plus x square dx वे dy एपड़ को आसीबो तो dy / 1 plus y square is equal to dx / 1 plus x square integrating both side तो ये कहते हो स्टूडेंट tan inverse y tan inverse x plus c तो ये दे दो इक्वेशन नंबर 1 हला
चल अभी वैल्यू पुट करिबा तो वैल्यू कौन कौन अच्छी वाई देची रूट थ्री एक्स देची वन वाई देची रूट थ्री एक्स देची हमर वन तो चल पुट करिबा तो टेन इनवर्स रूट थ्री इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस सी तो टेन इनवर्स रूट थ्री टेन रूट थ्री कौट अच्छे पाई बाय थ्री सिक्सटी टेन इनवर्स वन कौट अच्छे पाई बाय फोर प्लस सी तो सी के हम पाई फोर को सपोर्ट फोपड़ दबा तो सी इज इक्वल टू पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय फोर बुझे फ्रेंड पाई बाय फोर को सपोर्ट फोपड़ दे तो फोपड़ दे कौन होगा माइनस होगा तो चलो गोटे एलसीएम फेलसीएम नहीं सल्व करवा तो सी इज इक्वल टू थ्री आउ फोर एलसीएम के स्टूडेंट आम बार बार को थ्री डिवाइड कले फोर तो फोर पाए माइनस थ्री पाए तो सी इज इक्वल टू के पाए बाय ट्वेल्व सी के पाए बाय ट्वेल्व सी को लेकिन आराम से ये लिखिद है तो आंसर के टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस पाए बाय ट्वेल्व है देखिए स्टूडेंट कौटा अच्छे आंसर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस पाए बाय ट्वेल्व तो बीटे हूँ आंसर बुझ स्टूडेंट चलो आगे बढ़िया तेरह नंबर क्वेश्चन देख है तेरह नंबर क्वेश्चन देख गए थियोरेटिकल क्वेश्चन जनरल फॉर्म ऑफ लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो जनरल फॉर्म कौन स्टूडेंट लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम जानते हैं डीवाई बाय डीएक्स प्लस पीवाई इज इक्वल टू क्यू तो ये हमारा जनरल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म बुझ पाला चलो फोर्टीन नंबर को आस फोर्टीन नंबर कौन पड़े देख आगे जो क्वेश्चन करेंगे ये सब इलेवेन बी क्वेश्चन है इलेवेन बी मीन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तार लॉजिक सब यूज हो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कौन देखिए डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स फाइंड आईएफ आईएफ कौन स्टूडेंट हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो जो मैंने इलेवेन बी करेंगे से जानपरेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करवा तो क्वेश्चन कौन देखिए डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है तो आम जानते स्टूडेंट हमारा जनरल फॉर्मूला कौन डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू ये हमारा जनरल फॉर्मूला तो या वन एटा दे दूसरी टू तो वन आउ टू को कंपेयर करी तो पी के स्टूडेंट पी हूँ कोएफिशिएंट के वन कहपरि तो पी इज इक्वल टू वन मु पी कहीं फाइंड कली आमको आईएफ फाइंड कराया इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला कौन ई टू द पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन क्या उपरे हम ई उपरे हला तो ई टू द पावर पी पे के वन वन इंटू डी एक्स तो वन इंटीग्रेशन के स्टूडेंट एक्स तो आंसर के टू द पावर एक्स बुझ पाला स्टूडेंट तो आंसर के ई टू द पावर एक्स तो ई टू द पावर एक्स हूँ आईएफ तो देखिए स्टूडेंट कौट आंसर हमारे तो बी हूँ आंसर ई टू द पावर एक्स है नेक्स्ट क्वेश्चन भी सही वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू फाइंड आईएफ तो ये भी एक केस में कौन फाइंड करवा आईएफ ही फाइंड करवा बुझ पाला स्टूडेंट चलो स्टूडेंट तो कौन देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू तो आम आईएफ फाइंड करवा है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स टू प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू है तो फर्स्ट स्टूडेंट आम आईएफ फाइंड करवा आगे फर्स्ट आम क्वेश्चन को कौन करवा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहुए स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू या कौन कहुए स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म देख डी वाई बाय डी एक्स कौन अच्छी एकला अच्छी ताहे तो कहीं मल्टीप्लाय ना बट आम क्वेश्चन कौन अच्छी वन प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाय अच्छे तो टोटल टर्म डिवाइड करदे तो डिवाइड वन प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड तो कहते हो स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स बुझ पाला स्टूडेंट डी वाई डी एक्स कटिगला प्लस टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इनटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू बाय है तो मुझे डिवाइड कर ली एक्स क्यू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर देखो देली इक्वेशन वन बुझ पाला स्टूडेंट टोटाल कौन कली वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दिली तो ये कौन आसीगला स्टैंडर्ड फॉर्म रे आसीगला एबे तुम देख स्टूडेंट यही क्वेश्चन आई क्वेश्चन को कंपेयर करो पी इंटू वाई तो पी इंटू वाई तो ये पी के स्टूडेंट पी हूँ टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर हूँ पी है पी कहीं बाहर कली मत आईएफ फाइंड कर कहीं मोर आईएफ फॉर्मूला कौन स्टूडेंट इ टू द पावर पी डी एक्स तो इ टू द पावर पी पी के स्टूडेंट टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो देख स्टूडेंट इ टू द पावर तो आम जानते लॉजिक वन प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव के टू एक्स तो तलर डेरिवेटिव ऊपर थिले हमें कौन लिखू लॉन डिनोमिनेटर तो वन प्लस एक्स स्क्वायर लॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ई लॉन कटिगला तो आंसर के आसला वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ये हूँ आईएफ के वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो देखिए स्टूडेंट बिट बी हूँ आंसर है नेक्स्ट देख सेम आ गोटे क्वेश्चन पचार आईएफ ही पचार
फाइंड द आईएफ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एटा देछि क्वेश्चन हला तो क्वेश्चन टिके ट्रिकी करिक देछि हला तो कोन दे स्टूडेंट 1 + x² dx हला तो 1 प्लस तुम क्वेश्चन टी लिख दे 1 प्लस y स्क्वायर dx प्लस x dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y dy tan इनवर्स y dy हला तो ए टाइप रो क्वेश्चन को फर्स्ट कौन करियो स्टूडेंट देखो ए टाइप रो क्वेश्चन को कौन करियो फर्स्ट देखियो केते कोटा मैक्सिमम टाइम्स अछि एटा dx dy dy तो dy अधिकतर अछि तो dy को डिवाइड कर दियो तो dy को डिवाइड कर देले 1 plus y square dx by dy plus dy dy कटि जइबो तो x रहइबो एठी भी dy dy कटि जइबो तो खाली केत रहइबो tan inverse y बुझल स्टूडेंट ई कोन हेगला तोरा tan inverse y हला एबे तुम क्वेश्चन को कर स्टैंडर्ड फॉर्म रे कन्वर्ट करे छ तो स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट केमथि होबो जतले 1 plus x square डिवाइड होबो हला तो डिवाइड 1 plus y square बोथ साइड तो डिवाइड करले dx by dy प्लस एक्स तले डिवाइड होबो तो 1 by 1 प्लस y स्क्वायर इनटू x तो इज इक्वल टू tan इनवर्स y by 1 प्लस y स्क्वायर तो दु इक्वेशन नंबर 1 हला एबे हम आईएफ फाइंड करबा तो आईएफ रो फार्मूला कोन देखो डी कोन dx by dy अछि तो डी आईएफ रो फार्मूला कोन स्टूडेंट e टू द पावर p dy केते e टू द पावर p dy तो e टू द पावर p केते 1 by 1 प्लस y स्क्वायर dy एबे देखो ई को छाड़ दे स्टूडेंट एटा कार इंटीग्रेशन tan इनवर्स y रो तो tan इनवर्स y तो हमर आंसर केते होला e टू द पावर tan इनवर्स y तो देखि दे स्टूडेंट कोटा आंसर e टू द पावर tan इनवर्स y हो जे हमर आंसर मुझ बोला स्टूडेंट तो 7 नंबर फर्स्ट नेक्स्ट पोरे करिवा तो देखो स्टूडेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन को फर्स्ट कंप्लीट कर देवा कोन देछि तो होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कोन दे स्टूडेंट dy / dx f ऑफ xy / g ऑफ xy dy / dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई हला तो होमोजेनियस फॉर्म कोटा हला बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दिस तो तुम्हें देखियो स्टूडेंट हला तो तुम्हारे बिट ए को देखो ये भी होमोजेनियस फॉर्म बिट बी भी दीटा ही होमोजेनियस फॉर्म अच्छे हला तो तुम्हारा आंसर कौन होगा स्टूडेंट हमारा आंसर कौन होगा स्टूडेंट बोथ ए एंड बी हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन दे स्टूडेंट कोड़े नंबर क्वेश्चन इन होमोजेनियस फॉर्म तो होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन of the function x and y have dash degree hala equal degree or same degree non equal degree does not exist or none of this hala to amar rule hisab re kon equal degree hala kiwa same degree tumhe koi paribo hala to chalo student theoretical question he gala to chalo student hame pariyo apuni 7 number ko jiba amaro to kon this student amaro solve the differential equation kon this student solve the differential equation hala to kon this student 1 plus x square dy by dx plus 2xy is equal to cos x ला याको मैं सॉल्व करिया कोई चीज़ कौन हमारा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याको मैं सॉल्व करिया तो चलो स्टूडेंट याको कौन करिया तो फर्स्ट कौन करिया याको फ्री करिया जनरल फॉर्म रे ला तो जनरल फॉर्म रे करिया पाएं डिवाइड 1 plus x square बोथ साइड डिवाइड करो तो देले कौन है जो dy by dx plus 2xy by 1 plus x square into y is equal to cos x by 1 plus x square तो दे दो इक्वेशन नंबर 1 वे इतने हमें कंपेयर करिए कहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा लास्ट में dy by dx plus py is equal to q ये इतना हमारा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वे या को यहाँ तो कंपेयर करो दीरा को कंपेयर कर ले इड जाना पड़े p के तो स्टूडेंट 2x by 1 plus x square तो सिंपल स्टूडेंट p का हक जे y से तो लागी थिवो तो y हे तो के लागी छे पूराटा हला वे q का हक जे बाहर थिवो तो कोन स्टूडेंट cos x by 1 plus x square एबे if फाइंड करबा तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p dx हला तो e टू द पावर p p के तो स्टूडेंट 2x by 1 plus x square dx तो e टू द पावर तो देखो स्टूडेंट तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि तो कोन लिखो ln 1 plus x square तो ई लोन कटि गला तो केते आसला 1 प्लस x स्क्वायर हला हमरो आईएफ बुझ पलो स्टूडेंट आईएफ आसी गला तो कोन करिवा मल्टीप्लाई आईएफ इन इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 कोटा स्टूडेंट एटा इक्वेशन 1 सेट तो हमरो आईएफ को मल्टीप्लाई करबो तो देखो स्टूडेंट 1 बाय x स्क्वायर डिवाइड करथलो एबे 1 बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई करिवा तो कोन आस जियो स्टूडेंट हमरो क्वेश्चन रिटर्न आस जियो तो क्वेश्चन लिख दियो 1 प्लस x स्क्वायर dy / dx
2xy is equal to cos x. So, first one, our question written as well. If we know, left side of the formula, let's write dy dx of, dy dx of if into y formula. Co formula, if into y formula. Which first one? So, dy dx of if. If get the last one, number 1 plus x square. So, 1 plus x square into y is equal to cos x. Dx को cross multiplication कर दियो, 1 plus x square into y d of, तो control है, cos x dx, integrating both side, तो कदम हम देखें, derivative integration कोटी गला, 1 plus x square into y, cos x रखे देखें, sin x plus c, तो ये होचा हमारा answer गला, एटी रखले भी चोड़ेवा, किन्द हम option रहे इटा देही नी, तो y is equal to हम कौन करूची, 1 plus x square को divide कर दियो, sin x plus c by 1 plus x square, तो देखे दियो, अभी match कर दियो फ्रेंड c plus sin x minus sin x plus c by 1 plus x square. So, bit a ho cha amara answer. Much for a student. So, next is bit 18. Hala. So, bit 18 dekho student. Ticket tricky kari ki deichi question. Hala. Bitter question ki kaun kari ticket tricky kari ki deichi. Ta tum solve kariya dekho student. To kaun deichi? X plus y plus 1 dy by dx is equal to 1. Eti deichi. Hala. To kaun kariya student? तो देखो स्टूडेंट आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो x plus y plus 1 dy is equal to कहते हैं स्टूडेंट dx है ना देखो तुम खोली दे भी माने dy टा भीतर पूरे दे भी तो x dy y dy plus 1 into dy तो मींस ओनली dy is equal to dx अब देख दियो स्टूडेंट dx अधिक आ छी ना dy अधिक आ छी तो dy अधिक आ छी जो टर्म टा अधिक आ छी सेटा डिवाइड कर दियो हला तो डिवाइड dy बोथ साइड तो कहते हो स्टूडेंट x dy dy कटि जीवो एठी भी dy dy कटि जीवो एठी भी dy dy कटि जीवो 1 तो एपट कोन से dx dy हला तो सजे लिखो स्टूडेंट dx dy इज इक्वल टू x plus y plus 1 हला अब x टा को भीतर नहीं है सो dx dy minus x इज इक्वल टू y plus 1 हला तो ये हमरा ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो फॉर्म कहते हो स्टूडेंट हमरा फॉर्म अछि dy dx कोटे छ ओडे dx dy हला तो dx by dy plus px is equal to q है ना ये भी उटे फॉर्म होते हैं लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना चलो तो यहाँ पर दे दियो इक्वेशन नंबर 1 मुझे दे दिली वे डी p कितना स्टूडेंट p कुछ कितना स्टूडेंट नंबर माइनस वन p कितना स्टूडेंट नंबर माइनस वन और q कितना स्टूडेंट y plus 1 तो ये हम कौन फाइंड करवा if फाइंड करवा तो if का फॉर्मूला कौन है e to the power p dy तो ये दूसरा p p कितना स्टूडेंट माइनस वन into dy तो कहते हैं स्टूडेंट हमारे कितने हो चाहिए e टू द पर माइनस y कहते हैं स्टूडेंट हमारे e टू द पर माइनस y हला वो तक नहीं कॉम करिए मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 1 रे तो e टू द माइनस y dy by सॉरी dx by dy माइनस x into e टू द माइनस y इज इक्वल टू y प्लस 1 e टू द माइनस y हला तो लेफ्ट साइड तो जाने चाहिए स्टूडेंट dy dy ऑफ कौन लिखो dy dy ऑफ if into x इट कौन है इसको फॉर्मूला if into x इट जा चाहे as it is लिख दियो इधर minus y वे d if के तो बाहर चला चुका है इट इधर minus y तो इट इधर minus y into x is equal to y plus 1 इट इधर minus y dy तो integrating both side तो इट इधर derivative integration करते गला इट इधर minus y into x इज इक्वल टू 8 साइड राइट साइड काम करया पडियो हमको आइलेट मेथड पकया पडियो व्हिच वाला स्टूडेंट हमको काम पकया पडियो आइलेट मेथड तो देखो स्टूडेंट तो केते हला इडजन माइनस वाई वाई इडजन माइनस वाई इनटू एक्स वाई प्लस 1 तो लेफ्ट साइड तो कंप्लीट हो गला राइट साइड रे हमको काम करया पडियो आइलेट मेथड पकया पडियो हला तो देखो स्टूडेंट आइलेट मेथड पकेवा तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई प्लस 1 ओके तो अछि ई टू द पावर माइनस वाई डीवाई हला तो फार्मूला कौन स्टूडेंट फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बॉर्डर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टोटल रो डीवाई टोटल रो डीवाई हला तो वाई प्लस 1 इट द्वार माइनस वाई रो माइनस इट द्वार माइनस वाई माइनस डेरिवेटिव वाई प्लस 1 तो कहते हैं स्टूडेंट 1 अब यार इंटीग्रेशन कहते हैं माइनस इट द्वार माइनस वाई डीवाई ये माइनस बाहर को आसे तो माइनस माइनस प्लस ये माइनस टाक बाहर लिख दूचे तो माइनस वाई प्लस वन
e to the power minus y, ये minus one is plus e to the power minus y dy. तो minus y plus one e to the power minus y minus e to the power minus y plus c है ना. तो भला वे right side रखो ना, left side रखो e to the power minus y into x is equal to minus y plus one e to the power minus y minus e to the power minus y plus c. तो ये हो जाए हमारा answer है ना. तो जब ऑप्शन ला देखिबा कोडा के मैच करू छी है ना. तो ये ऑप्शन देखियो स्टूडेंट, हमर ऑप्शन रे कोन अछि स्टूडेंट. तो स्टूडेंट ए टू द पावर माइनस वाई टा को मोदी डिवाइड कर दू छी सपटे. तो x इक्वल टू केतो स्टूडेंट माइनस y प्लस 1 ई टू द पावर माइनस y बाय ई टू द पावर माइनस y माइनस ई टू द पावर माइनस y बाय ई टू द पावर माइनस y प्लस c बाय ई टू द पावर माइनस y. तो ये कटि जाउ छी, एटा भी कटि जाउ छी. तो x इज इक्वल टू माइनस y प्लस 1 माइनस 1 प्लस c, एटा ऊपर उने गेले c ई टू द पावर y. तो ब्रैकेट अदि मु खोल दो छी माइनस y माइनस 1 प्लस c ई टू द पावर y. तो केते स्टूडेंट y माइनस 2 प्लस c ई टू द पावर y. आ ब्रैकेट कॉमन ने गेले माइनस कॉमन ने गेले y प्लस 2 प्लस c e to the power y. तो x is equal to इतनी कुछ हमारा आंसर कहते minus y plus 2 c e to the power y. तो देखिए दोस्तों स्टूडेंट minus y plus 2 c e to the power y. तो हमारा फर्स्ट बिट हो चाहे हमारा आंसर है ना. तो कुछ पहले स्टूडेंट अठर नंबर है गला उन्नीस पढ़े तो हमें ऑलरेडी कंप्लीट कर सर थी लो. देखो स्टूडेंट 21 है ना. तो 21 टा कौन अच्छे स्टूडेंट. तो 21 क्वेश्चन कौन दे स्टूडेंट सॉल्व x square plus y square dx minus 2x y dy is equal to 0 hala. to dekho student eta kon student amro linear eta amro homogeneous differential equation hala. to jo mane 8 question bujhe chaunchan se mane first mane 11 c complete karthibe bujhala student. kahi dekho student mo differential equation ra total topic ko tinta exercise ko nei ki numerical create karchi hala, mcq solve karchi hala. to sethi pai tumko first tumo tinta exercise 11 a 11 b 11 c ro general idea thiba dorkar, na hole tumo question bujhi pariban bujhala student. to chalo student solve kariba. तो कौन दी स्टूडेंट एक्स स्क्वायर फर्स्ट में क्वेश्चन लिख दूसरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो हला. तो फर्स्ट देखो कौन कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सेपट नहीं गले टू एक्स वाई डी वाई. एवं आम कौन दरकार स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स हमारे जनरल फॉर्मूला कौन स्टूडेंट हमारे जनरल फॉर्मूला होगी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई by g of xy hala. means left side re khali dy by dx roiba hala. to chalo mu by dx ta ko epudu shift kar dou chi ab 2xy ta ko epudu nei asu chi hala. to kete hobo student amro x square plus y square by kete hela 2xy is equal to dy by dx. ta ko sidha kari likhle student dy by dx is equal to x square plus y square by 2xy. eko de equation number 1 hala. we chalo student put y is equal to vx. put karo y is equal to vx. to d by dx of vx is equal to x square ko x square rahila y square ko kon likhi student y jagare kon likhi vx. to v square x square divided by 2x into vx hala. it the student v into x to kon karo into formula. to first derivative of second plus second derivative of first is equal to एट देखो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर को कॉमन नहीं जाओ. तो एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं गले वन प्लस भी स्क्वायर एटे भी एक्स स्क्वायर को मुझे बाहर कर दूचे. तो कहते रोचे टू भी एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर आउ टू भी टाइम साइड करदे एक्स स्क्वायर कौन स्टूडेंट कैनसल हो. तो भी एक्स डेरिवेटिव वन प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस भी स्क्वायर बाय टू भी. वे भी को राइट साइड शिफ्ट कर दियो. तो एक्स डी भी बाय डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2 वी माइनस वी. तो एलसीएम ने जो स्टूडेंट एलसीएम है जो 2 वी 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इनटू 2 वी. तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 वी स्क्वायर बाय 2 वी. तो 1 एटा वी स्क्वायर माइनस 2 तो माइनस वी स्क्वायर बाय केते गेलो स्टूडेंट 2 वी. तो एटा एज इट इज जा होची x dv by dx. एथि कला पर स्टूडेंट टोटल क्वेश्चन को उल्टे दियो फ्लिप कर दियो. मुझ पर स्टूडेंट टोटल क्वेश्चन को उल्टे देले लिख करबी 1 / x dx / dv
2v/1 - v² বুঝিলা এবে ডিভিটা কো এপড়ু শিফট কর দিও তো ডিভিটা কো এপড়ু শিফট কর দিলে কত স্টুডেন্ট আমরা 1/x dx = 2v/1 - v² এবে ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইড তো লেফট সাইড তো কত হলো ln x = তো স্টুডেন্ট চলার ডেরিভেটিভ কত আছে -2x -2v তো কোন করে স্টুডেন্ট माइनस इनटू करो माइनस डिवाइड करो हला तो माइनस डिवाइड करले तो टोटल डेरिवेटिव ऊपर आसी गेला तो ln 1 माइनस v स्क्वायर प्लस ln c स्टूडेंट कौन ln c इडो भीतर कर दियो ln x प्लस ln 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू ln c इबे हम जानछ स्टूडेंट ln रे कौन ln x ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln ab तो ln x इनटू 1 माइनस भी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉन सी तो लॉन लॉन ही वाला कैंसल तो रहला एक्स 1 माइनस भी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एबे देखो स्टूडेंट आमे कौन नहीं चुस्त स्टूडेंट वाई इज इक्वल टू भी एक्स तो भी इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट वाई बाय एक्स है ना कहीं की चेंज कर चुका हमारा क्वेश्चन कौन सा एक्स वाई रहता तो आंसर भी एक्स वाई फॉर्म रही आसी होता था ना तो कौन लिखेगा एक्स 1 माइनस भी जाए कौन लिखेगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर विच वाला स्टूडेंट इज इक्वल टू सी तो x LCM ले लेते हो स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू c तो गुटे x कटी जाउ छी हला गुटे x कटी गला तो कोन रे स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय x इज इक्वल टू c विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दबा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू cx तो ये हो छ हमरा आंसर हला तो देखि स्टूडेंट काहे तो मैच करू छी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स तो बीट ए हो जाए हमारा आंसर है ना चलो बीट नंबर 22 को आसो तो 22 और 23 को स्टूडेंट हमारा होमोजेनियस रिड्यूस्ड फॉर्म कौन स्टूडेंट हमारा होमोजेनियस रिड्यूस्ड फॉर्म तो हम जानछो होमोजेनियस रिड्यूस्ड फॉर्म को कौन कहे स्टूडेंट हमारा होमोजेनियस रिड्यूस्ड फॉर्म होमोजेनियस रिड्यूस्ड फॉर्म को स्टूडेंट कहते हैं होमोजेनियस रिड्यूस्ड फॉर्म कौन स्टूडेंट dy/dx is equal to a1x plus b1y plus c1 divided by a2x plus b2y plus c2 hala chalo eta hocha amar homogeneous reduced form ebe first question re dekho student hala ebe kon deiche given that the differential equation of the form eta deiche question to ko condition satisfy korche a1/a2 is equal to b1/b2 a1/a2 is not equal to b1/b2 a1/b1 is equal to a2/b2 or none of these hala तो हमें देखिए दो स्टूडेंट क्वेश्चन कौन दे स्टूडेंट x माइनस y प्लस 1 x प्लस y प्लस 5 तो हमारे कहते a1 कहते स्टूडेंट a1 हो चुका तो हमारे 1 a2 कहते a1 हो चुका यार कोएफिशिएंट देखिए दो स्टूडेंट देखो काहे तो कंपेयर करछो काहे तो कंपेयर करछो पहले देखिए दो स्टूडेंट a1 कहते स्टूडेंट हमारा x रो कोएफिशिएंट तो से हो चुका हमारा 1 a2 कहते सही टोटल रो कोएफिशिएंट x रो कोएफिशिएंट तो से भी कहते स्टूडेंट 1 तो a2 केते स्टूडेंट हमर 1 हला नेक्स्ट b1 b1 केते स्टूडेंट b1 देखो स्टूडेंट कंपेयर करो b1 केते हमर -1 आ b2 केते स्टूडेंट b2 छ 1 तो b1/b2 केते हला स्टूडेंट -1/1 तो केते हला -1 तो हमर a1/a2 हला 1 आ b1/b2 हला केते -1 तो हमर को कंडीशन सैटिस्फाई करू छ a1/a2 a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो बीट बी कंडीशन हमर सैटिस्फाई करू छला से बळे लास्ट क्वेश्चन देखो कोन दिछि dy/dx is equal to 4x plus 6y plus 5 2x plus 3y plus 4 hala to dekhi jo student edit kar dau chi to di a1 kete student a1 hochi 4 aho a2 kete student amar 2 to a1/a2 kete student 4/2 hala a1/a2 kete student 4/2 much more student a1/a2 kete student 4/2 to kete gela amar 2 similarly b1 eta hochi b1 eta hochi b2 to b1 kete student amar 6 आ b2 केते स्टूडेंट हमरो 3 तो b1/b2 केते स्टूडेंट 6/3 तो से भी केते हला 2 तो दिरा सेम असला तले को कंडीशन सैटिस्फाई करला हमरो स्टूडेंट हमरो फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई करला कुछ होला स्टूडेंट तो आई होप स्टूडेंट तमे एति क्वेश्चन रो डिफरेंशियल इक्वेशन रो क्वेश्चन आईडिया आसी आइथो को टाइप रो क्वेश्चन आसु छी तो देखो स्टूडेंट मु एति 100% गारंटी देखु छी एई टाइप रो क्वेश्चन ही आसीबो तो तमे बेसी पैनिक होबा दरकार नै कि एमसीक्यू रे कोन करबा कोन न करबा किछ टेंशन नै नी जहां भी क्वेश्चन आसीबो एई टाइप रो क्वेश्चन ही आसीबो या टू केबे टफ लेवल आसीबो नै हला तो तमे बस हम चैनल सते कनेक्ट रहो मु तुमको ई चैप्टर रो एमसीक्यू दे देउ छी तो देले तमार फायदा कोन स्टूडेंट तमे अब एग्जाम रे तमार डर रहइबो नै सेई एमसीक्यू उडा आराम से करिक जाओ देखो तमार आईडिया आसी जइबो आ तमे एमसीक्यू भी
आराम से एग्जाम रे सॉल्व कर परियो बुझपले स्टूडेंट तो आई होप स्टूडेंट मोर सीएचएस भाई बहन मानकर निश्चय वीडियो सब हेल्पफुल होतबो हला नेक्स्ट आ गोटे वीडियो रे हम देखा हबा ऑलरेडी बहुत बुझपले वीडियो बहुत लेंथी हे गलेनी वीडियो बहुत लंबा हे गलेनी हला नेक्स्ट आ गोटे वीडियो रे देखा हबा नुवा गोटे वीडियो रे जतरे आमे नुवा गोटे टॉपिक आनिबा हला तो स्टूडेंट मोर रिक्वेस्ट होइला बस तमे सब संग मानक वीडियो को शेयर करो जोटे कि तांकर भी फायदा हो आ समस्त हम ऑल ओडिसा भाई बणी मानकर फायदा हो ए लॉकडाउन सिचुएशन रे जेंसी समस्त भलो मार्क आसु बुझपले स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।